नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। आप सभी जानते हैं कि फिल्म जगत जितना चकाचौंध भरा दिखता है और जितना ज्यादा सामने से चमकता है, उतना ही अंदर से वो खोखला है। आपको बता दें कि फिल्म जगत से कई ऐसी खबरें आती रहती हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करके रख देती है। किसी एक की गलतियों की सजा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मिलती है। ऐसे में कोई भी इस कला को भले ही ऐसे सराहना करता हो, लेकिन इस फिल्म में अपने बच्चों को कोई भी पेरेंट्स नहीं भेजने चाहते हैं, क्योंकि इस जगह से जुड़ी कई ऐसी खबरें आ जाती है जिसे सुनकर पहले उनके पेरेंट्स डर जाते हैं कि आखिर हमारे बच्चे वहां जाने के बाद सेफ रहेंगे या नहीं। इसके वजह से कई लोग इस फिल्म में जाने से कतराते हैं। उनका सपना जरूर होता है कि आगे चलकर वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस बने या एक्टर बने, लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आती है उसे सुनने के बाद, उस घिनौने सच को जानने के बाद, किसी का भी हिम्मत नहीं होता कि वो दोबारा जाकर उस फील्ड में अपनी कामयाबी को छू सके या उस फील्ड में अपना काम कर सके। आइए जानते हैं, एक और नई एक्ट्रेस ने इसके बारे में काला सच बताया है और उस सच से पर्दा उठाया, उस घिनौने सच के बारे में बताया है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जगत में किसी के द्वारा करवाया जाता है। आइए जानते हैं उस पूरी खबर के बारे में। ग्लैमर की दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही घिनौनी भी होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शोबिज की दुनिया में कास्टिंग काउच का एक ऐसा काला दाग है जिस कारण पूरी फिल्म जगत बदनाम है। एक्ट्रेस सुरविंद चावला ने हाल ही में इस पर खुलकर बात की है। सुरविंद चावला के खुलासे में बॉलीवुड में हड़कंप मच गई है। सुरविंद ने बताया है कि मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्हें बॉडी शेमिंग से दो चार होना पड़ा था। उन्होंने बताया कि अपने वजन की वजह से उन्हें बॉडी शेमिंग से भी जूझना पड़ा। सुरविंद चावला ने ऐसा खुलासा किया जिसको सुन सभी के होश उड़ गए। अभिनेत्री ने कहा कि फिल्म की मीटिंग के दौरान उनसे उनका वजन, कमर और सीने का माप पूछा गया। सुरविंद चावला ने बताया कि वह बॉलीवुड के साथ ही साउथ की फिल्मों में भी मौका तलाश रही थी, लेकिन हर जगह महिलाओं का फायदा उठाने वाले लोगों ने घेर रखा है। जब वह साउथ फिल्मों में आने वाली थी तो कैसे फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर ने उनके शरीर के अंगों की साइज को लेकर सवाल किया था। सुरविंद चावला ने कहा कि ज्यादातर महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है, जहां उनके शारीरिक बनावट, चेहरे पर सवाल उठाए जाते हैं, उनके वजन पर सवाल उठाया जाता है। लोग आपकी कमर का साइज क्या है, आपकी बेस्ट का साइज क्या है पूछते हैं। सुरविंद चावला पहली बार एकता कपूर के सीरियल का सौंपी जिंदगी की नजर आई थी। इस सीरियल में सुरविंद ने प्रेरणा और मिस्टर बजाज की छोटी बेटी का रोल निभाया था। सुरविंद ने यह भी कहा कि साउथ इंडस्ट्री में ऐसा बहुत होता था, जो कि कुछ सालों में बहुत हद तक बदला भी है। एक्ट्रेस ने बताया कि वहां शुरुआती दिन उनके लिए मुश्किल थे, पर अब बॉडी शेमिंग जैसी चीजें बदल रही है। मेंटल हेल्थ और रिजेक्शन पर बात की जा रही है। आप देख सकते हैं कि वो सारी जिंदगी में सीरियल में काम करने के बाद, जो कि एकता कपूर उसके प्रोड्यूसर थी, उनके सीरियल में काम करने के बाद जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ फिल्मों के लिए उन्होंने जब रुख किया तो उन्हें काफी चीजें झेलनी पड़ी। उनसे उनके शरीर के माप पूछ जाते थे कि उनके शरीर का साइज क्या है, उनका वजन क्या है, उनके चेहरे के हुलिये पे भी उन्हें जज किया जाता था। तो इस तरीके से जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम दिया जाता है तो आखिर टैलेंट की क्या पहचान है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया।